वन संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए 1 से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव की तैयारियों में वन विभाग और जिला प्रशासन जुट गया है। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में पौधारोपण के लिए जन जागरण पैदा करने के लिए 1 से 7 जुलाई के बीच प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव में सप्ताह भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसके संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि वन महोत्सव के दौरान 44.41 लाख से अधिक पौधों का रोपण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए जोर शोरों से तैयारी की जा रही है। इस बार महोत्सव में पीपल, बरगद जैसे पौधों के साथ ही औषधीय पौधों का रोपण करने पर विशेष जोर है। 1 जुलाई से हर रेंज, हर ब्लॉक स्तर पर पौधारोपण शुरू हो रहा है, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही 4 जुलाई को विनोद वन में पौधरोपण के साथ स्मृति पार्क और आरोग्य वन की स्थापना किया जाएगा। इस दौरान क्विक कैप्चर ऐप के जरिए पौधों का जियो टैगिंग किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया, नीचे पे क्लिक करना है, ये टच करना है, नेक्स्ट यूजर नेम DFO गोरखपुर, 30 करोड़ विक्षोभ में इनको टच करना है, सारे विभाग की लिस्ट सूची खुल गई। फॉर एग्जांपल पशुपालन विभाग द्वारा प्लांटेशन आया गया, उनका प्लांटेशन है, जो भी जगह है उनका सीधे इसको फोटो खींच लेंगे, देखिए वन महोत्सव तो 1 से 7 जुलाई के लिए है, पर जो शासन संघ निर्देश आए हैं उसके क्रम में एक दिन जो मोस्टली 4 जुलाई है उस दिन 25 करोड़ पौध और 1 से 31 जुलाई तक 5 करोड़ पौध, रिमेनिंग 5 करोड़ पौध, तो टोटल बरसात सीजन में 30 करोड़ पौध पूरे प्रदेश में लगाए जाने हैं। इस क्रम में गोरखपुर में तकरीबन 44 लाख पौध लगेंगे और 1 जुलाई से कल से हमारा ये प्रोग्राम हर रेंज स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे स्टार्ट हो रहा है और सभी जगह जनप्रतिनिधियों, अन्य विभागों की सहभागिता, NGO, स्कूल्स, सबको इन्वॉल्व करते हुए प्लांटेशन ड्राइव को लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम हर रेंज स्तर पर इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और 4 जुलाई को तिलकोनिया अंतर्गत एयरपोर्ट के आगे जो हमारा विनोद वन है वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर स्मृति पार्क एवं आरोग्य वन मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में फर्टिलाइजर कैंपस में वहाँ पर प्लांटेशन हो रही है और तमाम जगहों पर प्लांटेशन ड्राइव, हर विभाग इसमें सहभागिता आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। मनरेगा, DC मनरेगा एवं ग्राम विकास के द्वारा तकरीबन 18 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और पौध उठान का कार्य जोर शोर से चल रहा है। हमारी नर्सरियों में पौध उठान, अभी तकरीबन हर नर्सरी में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं, स्टाफ पौध उठान में इन्वॉल्व है। हमारी कोशिश यही होगी कि सभी को इन्वॉल्व करते हुए कॉमन पब्लिक, एवरीवन इसमें आगे बढ़कर आए और हमसे फ्री निःशुल्क पौधे वन विभाग प्रोवाइड कर रही है, उनको पौधे लगाएं और इस मिशन को सक्सेसफुल करें। सर किस तरह के पौधे प्रायोरिटी रखे हैं? देखिए इसमें मुख्यतः जो 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं पौधों के, एक जो इमारती जिनका उपयोग है, फॉर एग्जांपल सागौन हो गया, उसके बाद जो औषधीय पौधे हैं, आंवला है, सहजन है, उसके बाद कुछ जो खूबसूरत पौधे होते हैं या डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, तो गुलमोहर वगैरह, अशोक है, ये है, वो हो गए, फलदार हैं, आम, अमरूद, जामुन इत्यादि, तो डिफरेंट वैरायटी के पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं। टोटल तकरीबन 62 लाख पौधे हमारे नर्सरी में भी उपलब्ध है और जिसमें से 44 लाख पौधे इस बार प्लांटेशन में यूज़ की जाएगी। जी हाँ, इसमें जियो टैगिंग के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिस ऐप का नाम है क्विक कैप्चर। क्विक कैप्चर ऐप सभी विभागों को इसकी सूचना दे दी गई है और एंड्रॉयड का ऐप है, बहुत सिंपल ऐप है, इससे इस बार जियो टैगिंग का हमारा उद्देश्य है, जियो टैगिंग करने के लिए। सर,